हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और डे 11 पर हम उस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने डे 10 पर अधूरी छोड़ दी थी। हमने डे 10 पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया था। और उसके बाद में आपको ये तो एहसास हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसको बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, उसको बहुत छोटा भी किया जा सकता है, साथ ही साथ में ये बहुत ही आसान भी है। और आज आपका जो ये एहसास है वो और पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज हम उन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे नॉर्मली छोड़ के आ जाते हैं। उनको एडवाइस दी जाती है कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना करें, बट आज आपको पता चलने वाला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के बाद में आपको रोटेशनल क्वांटिटीज के साथ खेलना आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो शुरुआत करें और इस मैप को मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर प्रेजेंट की गई जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी नई नहीं है। आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो। आप बोलोगे सर कब पढ़ चुके हैं, तो जब आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, फोर्स के बारे में पढ़ा था, जब आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, वो सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो एज इट इज ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। आपको मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर देना है, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देना है, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देना है, फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर देना है, मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस कर देना है। और आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि कुछ नया इसमें ध्यान रखने लायक ही नहीं है। नहीं बिलीव करोगे आप मेरी बात पर, तो इस मैप को आप पढ़ो और फिर आपको एहसास होगा इस चीज का। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मोमेंटम हुआ करता था मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दिया और वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। ऐसे इसकी जो दूसरी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है वो तब है जब आपको एक पार्टिकल और उसका लीनियर मोमेंटम दे दिया जाए, एक एक्सिस दे दिया जाए और उससे उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए। उस कंडीशन में आप आर क्रॉस पी इस डेफिनेशन को यूज करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आसानी से कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि वैक्टर्स के अंदर हमने पूरा अच्छे से समझा था इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, राइट। अभी अपन एक क्वेश्चन लेंगे और उसके जरिए उस चीज को वापस से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। कई बार हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं दी जाती, हमें डायग्राम्स बना के दे दी जाती है इन्फॉर्मेशन। तो वैसे केस में हमें क्या करना है, मोमेंटम को या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बहुत काम आएगी। जहां पे भी आपको फोर्स या मोमेंटम दिखाई दे उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो पोजीशन वेक्टर के अलोंग, और आप उसको डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। यही अपन नॉर्मली करते हैं, ठीक है ना, इतना ही काम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चला। उसके बाद में हम सेकेंड जो क्वांटिटी पढ़ेंगे वो है टॉर्क। टॉर्क मैंने बताया था, जैसे लीनियर मोशन करवाने के लिए, लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए, पार्टिकल के अंदर रोटेशन जनरेट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो टॉर्क की एक डेफिनेशन तो हो जाएगी आई इंटू एल्फा, जैसे एफ हुआ करता था मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दिया और एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया और बन गया हमारा फॉर्मूला। एक और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर दे दिया जाए तो आर क्रॉस एफ, बिल्कुल सिमिलर है जैसे अपनों ने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था। इस आर क्रॉस एफ का यूज तो हमें तब करना है जब वेक्टर फॉर्म में दी जाए इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं दी जाए डायग्राम्स बना के दी जाए तो हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे, या तो फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बिल्कुल सिमिलर चीज हो गई आप लोगों के लिए, राइट। तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता पड़ गया, हमें टॉर्क पता पड़ गया। अब हम जानते थे कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, तो क्या वैसा का वैसा रिलेशन यहां पे भी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा यहां पर। रिलेशन इन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एग्जैक्टली जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। जहां पर डिफरेंशिएशन आ गया वहां पर समझ जाना आपके ग्राफ के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम और टाइम के बीच का ग्राफ दे दिया जाए तो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहां से चलते हैं अपन इस वाले प्लॉट के ऊपर, राइट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आपका टॉर्क जीरो होगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगी, अपन पहले ही मेंशन कर चुके हैं। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, और इतने आसान क्वेश्चन होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बस केवल और केवल दिखने में डरावने लगते हैं, राइट। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया करते थे वैसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम को आई से और वी को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, बन गया फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। या फिर इसको एल स्क्वायर अपॉन टू आई भी लिखा जा सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन टू एम के इक्वल होती थी, तो मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस कर दिया और मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दिया, बन गया फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा भी लिख सकते हो, या फिर कई बार एंगुलर मोमेंटम और फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में भी ये फॉर्मूला पूछा जाता है, तो पाई इंटू एल इंटू एफ इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल आपको कैलकुलेट करनी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और आप उसके अंदर दिमाग ही नहीं लगा पाते क्योंकि आपके अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डाली जाती है। यहां पर आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है, शायद आपको कोई एफर्ट ही लगाने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में बिठाना। अब अगर हमारे पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जानकारी आ चुकी है तो अब हम थोड़ा बहुत रोटेशन के अंदर किए गए वर्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो वर्क होगा, लीनियर मोशन के लिए वर्क हुआ करता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स को रिप्लेस कर देंगे टॉर्क से और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क विल बी इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट होता है, बट नॉर्मली आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके अंदर दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वर्क अगर हमने देख लिया तो फिर पावर को क्यों छोड़े, पावर भी अपन देख लेते हैं। तो जैसे पावर लीनियर मोशन के लिए हुआ करती थी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, तो यहां पर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो होगा उसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी पावर। मैंने बताया आपको कि एंगुलर मोशन के अंदर शायद कभी आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत पड़े, तो आप डायरेक्ट पी इज इक्वल टू टाओ इंटू ओमेगा ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो रोटेशन के लिए, जो पावर है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो यहां तक का हिस्सा था जो अभी अपनों ने पढ़ा, ये तो आपको जानकारी देता है डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर हमें यूज करनी है। अब रोटेशनल डायनेमिक्स का जो केस है वो आपको पूरा का पूरा यहां पर दिखाई देगा। इसको बोला जाता है प्योर रोलिंग। नॉर्मली जो रोल होने वाले ऑब्जेक्ट हैं, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, राइट, उनको जब आप किसी रिजिड सरफेस के ऊपर मूव करवाते हो तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है और साथ ही साथ में वो रोटेट भी करते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों की कंबाइंड मोशन ही क्या कहलाती है, प्योर रोलिंग कहलाती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे प्योर वर्ड क्यों यूज किया, रोलिंग ही बोल देते। तो प्योर रोलिंग में एक शर्त और जुड़ जाती है। कौन सी शर्त जुड़ जाती है, कि प्योर रोलिंग के अंदर जो पॉइंट इन कॉन्टेक्ट है वो आपका क्या रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये क्या है, स्टेशनरी। जो सेंटर ऑफ मास है वो आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, लीनियर मोशन और जो एंगुलर मोशन हो रही है उसके बीच में एक फिक्स्ड रिलेशन होगा कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगी। और इसी तरीके से टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात करोगे तो ट्वाइस ऑफ रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगी। अगर आप यहां से किसी भी एंगल थीटा पर एक पॉइंट पकड़ लेते हो और वहां पर वेलोसिटी निकालते हो तो दो वेलोसिटीज होंगी, दो अलग अलग तरीके की मोशन हो रही है। एक तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है यानी कि पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है, और एक ये रोटेट कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, आर इंटू ओमेगा से, तो रोटेशन भी हो रहा है यहां पर, राइट।
तो इन दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी निकालोगे उसकी डायरेक्शन इधर होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स r into ओमेगा टाइम्स cos थीटा बाय 2। अब इससे आप हर चीज निकाल सकते हो, जैसे मान लो आपको टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे, जीरो। जैसे ही जीरो रखोगे तो 2r ओमेगा आ जाएगा। आपको सपोज करो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो थीटा की जगह रख दोगे 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 45, उसकी वैल्यू 1/√2 होती है, यानी कि √2 टाइम्स r ओमेगा आ जाएगी। अगर आप इस लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो थीटा की जगह 180 डिग्री रख दोगे, 180 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 90 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अपने आप ही बता देगा कि लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, प्योर रोलिंग करता हुआ कहलाता है। अब इस प्योर रोलिंग के अंदर जो आपकी नेट काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान से पढ़ना है इसको, उसमें दोनों तरीके की काइनेटिक एनर्जी शामिल होगी, ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी भी शामिल होगी, साथ ही साथ में रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी भी शामिल होगी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ इंटू एम इंटू वी सी एम स्क्वायर के इक्वल होती है, सेंटर ऑफ मास की स्क्वायर के इक्वल होती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। जब आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला मिलता हुआ नजर आएगा, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर टाइम्स 1 + k² / r² यहां पर k रेडियस ऑफ जायरेशन है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। जब आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के बारे में नहीं पता होता तो नॉर्मली आप इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में लिखते हो, रेडियस ऑफ जायरेशन की फॉर्म में लिखते हो। तो इसी तरीके से क्यों लिखा आपने इस फॉर्मूला को, क्योंकि यहां पर अपन डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी है उसके और नेट काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशन को देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि जो नेट काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी के 1 + k² / r² टाइम्स है, थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। चलो ये जो k² / r² है इसके अंदर पूरी की पूरी गणित छुपी हुई है। अब इसके ऊपर जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस सेगमेंट से आते हैं, आपको एक ऐसा प्लैंक दे दिया जाएगा, राइट, और इसकी हाइट दे दी जाएगी, कई बार इसकी जो ये स्लेंट हाइट है वो भी दे देते हैं, और इसके ऊपर से बोला जाएगा कि रिंग को, डिस्क को, हॉलो सिलेंडर को, स्फेयर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्या करा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। अब ये रोल करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ कहां पर आएगा, नीचे आएगा, नीचे तक आते आते इसके पास में, इसके सेंटर ऑफ मास के पास में भी कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी और इसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी होगी। तो यहाँ पे अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर लेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अप्लाई की जा सकती है, बट उस डिटेल में नहीं जाके जो काम आता है नीट के रेस्पेक्ट में वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी √2gh/(1+k²/r²). तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो k² / r² है, ये जो रेशियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रोलिंग के अंदर। ऐसे जो एक्सेलरेशन होगा इस मोशन के दौरान इसका, वो जी साइन थीटा नहीं होगा, वो हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1+k²/r², और जो इसको ऊपर से लेके नीचे तक आने में टाइम लगेगा वो हो जाएगा 1/sin θ √2h/g (1+k²/r²), राइट। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखना है, कम से कम इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है। अब डायरेक्ट कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अगर इस तरीके से रोल करवाया जाता है तो बताओ किसको सबसे कम टाइम लगेगा, किसको सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा और बहुत सारी चीजें। तो ये पूरा का पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, k² / r² के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें हैं वो तो कांस्टेंट है। अगर आपको ये प्लैंक दे दिया जाता है तो थीटा भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता ही होता है, तो केवल और केवल जो लुढ़काई जाने वाली बॉडी है उसके ऊपर कौन सी चीज डिपेंड कर रही है, k² / r². तो ये जो k² / r² है इसकी वैल्यू डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर की अगर आप बात करते हो तो k² / r² की वैल्यू होती है 1, हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहे हैं ना। अगर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की बात करते हो तो इसके लिए k² / r² की वैल्यू होती है 0.5। अगर आप हॉलो स्फेयर की बात करते हो तो 2/3 दैट इज 0.6 होती है, और सॉलिड स्फेयर की बात करते हो तो ये कितनी होती है, 0.4 होती है।
तो आप देखोगे कि इनमें से सबसे कम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू किसके लिए है, सॉलिड स्फेयर के लिए। अब टाइम नोटिस करो, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान लिया जाए तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है आपको, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होगी उसको टाइम भी उतना ही कम लगेगा। और सबसे कम किसके लिए है, सॉलिड स्फेयर के लिए, यानी कि सॉलिड स्फेयर को नीचे तक आने में सबसे कम टाइम लगेगा। अगर आप चार सेम प्लैंक ले लेते हो, एक पे रिंग को, एक पे डिस्क को, एक पे हॉलो स्फेयर को और एक पे सॉलिड स्फेयर को एक साथ रिलीज करते हो, तो आप देखोगे कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फेयर पहुंचेगा, और सबसे बाद में कौन आएगा, आपका ढीला ढाला जो रिंग है वो सबसे आखिरी में आएगा, राइट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये तीनों फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, रेशियो के क्वेश्चन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद में आप चमत्कार होते हुए देखोगे इस चैप्टर के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे कि सर क्या वाकई ही इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हर तरीके के क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। तो अगेन मैं आपको हमेशा जब भी मेरी कोई बात होती है उसको प्रूव करके दिखाने की कोशिश करता हूं, तो अपन क्वेश्चंस के जरिए इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट। डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन लेंगे और ट्राई करेंगे कि जितनी चीजें हमने इस एक चैप्टर एक पेज के अंदर सीखी है उसको अपन अप्लाई करें। इससे पहले मैं फटाफट से स्क्रीन से हट जाता हूं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो आप बनाओगे नहीं, आलसी हो आप सब लोग, मुझे आपका काम करना पड़ रहा है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो तो अब अपन आगे बढ़ जाए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन द फिगर ए हाफ ऑफ द मीटर स्केल, ठीक है, ये मीटर स्केल है, इसका आधा हिस्सा बना हुआ है लकड़ी का और आधा हिस्सा बना हुआ है स्टील का। द वुडन पार्ट इज पाइवोटेड एट ओ, यहां पर इसको तुमने कील गाड़ के फिक्स कर दिया, अब रोटेट करवा सकते हो और इधर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो रोटेट करने के लिए। ऐसे दूसरे केस में हमने स्टील वाले को, ठीक है ना, कील लगा के फिक्स कर दिया और लकड़ी वाले हिस्से पे फोर्स लगा के आप क्या कर रहे हो, रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे दो अलग अलग केस दे दिए गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो किस कंडीशन में ज्यादा होगा। तो आप सीधा सीधा देखोगे कि यार जो एंगुलर एक्सेलरेशन था हम देखते थे टॉर्क जो हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा के इक्वल हुआ करता था, ठीक है। टॉर्क किसके इक्वल हुआ करता था, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स के इक्वल हुआ करता था। तो अगर अपन इस नजरिए से देखें तो जहां पे आपने कील गाड़ी है और जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस और लगाया जाने वाला फोर्स ये तो दोनों ही कंडीशन में सेम है। इसका मतलब आपका जो टॉर्क है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है दोनों ही केसेस में। अगर टॉर्क कॉन्स्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐसे बना देता हूं मैं अल्फा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, वन अपॉन आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है अगर टॉर्क कांस्टेंट है। तो यहां पे दोनों केसेस में टॉर्क तो सेम है, तो अब किस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा जिसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए। अब पिछला चैप्टर याद करो, पिछला वीडियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ करता था मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि एक्सिस से ज्यादा मास जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पर होता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा आता है। तो इसमें देखते हैं अपन, यहां पे देखो लकड़ी वाला हिस्सा पास में है और जो स्टील वाला हिस्सा है भारी वाला हिस्सा है जो दूर है एक्सिस से, यानी कि इस वाले की इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा बजाय इस वाले केस के। और जिस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंपैरिजन में, यानी कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा किसके एंगुलर एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में, इसके एंगुलर एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में। तो मोर एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए, नहीं कम होना चाहिए, मोर एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन बी, ऑप्शन नंबर टू हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी इतना प्यारा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको निचोड़ के बाहर निकाला गया है, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है नीट के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राइंडिंग स्टोन ऑफ अ फ्लोर मिल इज रोटेटिंग एट 600 रेडियन पर सेकेंड
दिस पावर ऑफ 1.2 के वॉट इज रिक्वायर्ड, द इफेक्टिव टॉर्क ऑन स्टोन इन न्यूटन पर मीटर विल बी। तो हमने तो पढ़ा था पावर जो होती है वो टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो टॉर्क हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। पावर हमें कितनी दे रखी है, 1.2 किलो, किलो का मतलब होता है 1000 वॉट, और एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है 600 रेडियन पर सेकेंड। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 0.2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.2 को 10 से, तो आपको 2 न्यूटन इनटू मीटर इतना टॉर्क निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता होता तो आप इसकी इस क्वेश्चन को यू का यू छोड़ के आ जाते हैं, नॉर्मली आपको ये रिलेशन पता होता नहीं है। अब आपको पता है, अब आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों का सवाल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A wheel having moment of inertia 2 kg into meter square about its vertical axis, moment of inertia दे दिया गया है, rotates at the rate of 60 rpm, तो हमें I दे दिया गया है 2 kg into meter square, हमें omega दे दिया गया है 60 rpm, तो rpm को मैंने radian per second में convert करना सिखाया था। एक rotation के अंदर कितना angle चलता है 2 pi, और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60, यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 30 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60 से 60 चला गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो सबको कंसेप्चुअली सारी नॉलेज ठीक होने के बाद में भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, यूनिट कन्वर्ट नहीं करते। हालांकि मैं इसको गलत मानता हूं कि इतनी छोटी चीज क्यों गलती माना जाना चाहिए, बट ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, बट अगर है ऐसा तो आपको करना है, ध्यान देना है इस चीज के ऊपर, राइट। तो ओमेगा आपके पास आ गया। द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट वुड बी, अब हमें टाइम दे दिया गया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो दे दी गई है 0, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। तो क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं, तो हमारे पास में चार चीजें आ चुकी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम और अल्फा। तो हमने पिछले से पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा था यार, इनके बीच में वही रिलेशन होता है जैसे लीनियर, कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टाइम्स टी। फटाफट से वैल्यू रखते हैं, 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, प्लस अल्फा टाइम्स टी की वैल्यू हो जाएगी 60, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -2 पाई डिवाइडेड बाय 60, 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, इतना आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने रोकने के लिए लगाया, तो नेगेटिव साइन को अपन ओमिट कर देंगे। अब अल्फा जैसे आ गया तो हमें पता चलेगा कि यार जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा के इक्वल होता है, आई हमें दे रखा है 2 और अल्फा है हमारा पाई डिवाइडेड बाय 30, 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 50। तो इतना हमारा टॉर्क जो है वो रिक्वायर्ड होगा अगर हम इस व्हील को 1 मिनट के अंदर रोकना चाहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है अगर आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्स्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम E0 टू 4E0 इन 4 seconds, the magnitude of torque is। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको रिलेशन याद आना चाहिए कि सर ने एक बताया था टॉर्क होता है फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम है 4A0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है A0, और टाइम आपको दे रखा है 4 seconds। 4 में से A चला गया तो 3A0 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके किसकी वैल्यू हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी। तो आई गेस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, और ये सब बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद में, तो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टॉर्क ऑफ फोर्स F वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एक्टिंग एट अ पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है अबाउट ओरिजिन इज, तो मैंने बताया था जो टॉर्क होता है अगर वेक्टर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ। ध्यान रखना ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है,
आर पहले रखना है, फोर्स बाद में रखना है। और इसको हम कैसे निकालते थे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके निकालते थे। आई कैप जे कैप के कैप, पहले आर है तो आर के कोफिशिएंट लिखेंगे 3, 2 एंड 3, और फिर एफ के लिखेंगे 2, -3 एंड 4। तो इसको सॉल्व करना मैंने वैसे तो सिखाया हुआ है, पहले आई कैप लिखो ऐसे ब्रैकेट खाली छोड़ दो, फिर माइनस जे कैप लिखो ऐसे ब्रैकेट खाली छोड़ दो, फिर प्लस के कैप लिखो और ऐसे ब्रैकेट खाली छोड़ दो। ब्रैकेट को फिल करेंगे तो आई वाले ब्रैकेट को कैसे फिल करेंगे, इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 आ जाएगा कितना 8, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -3 आ जाएगा माइनस का 9। ऐसे जे वाले को फिल करना है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और के कैप वाले को फिल करना है तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 + 9 हो जाएगा 17 आई कैप, यहाँ पे 12 में से 6 चला गया तो 6 बचेगा, तो -6 जे कैप, और यहाँ पे -9 और -4 एड हो के -13 हो जाएंगे, तो -13 के कैप। ये आपके क्या हो जानी चाहिए, टॉर्क की वैल्यू आ जानी चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 17 आई कैप -6 जे कैप -13 के कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन आप सब लोग वेरीफाई कर लेना कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 एंड 1 आर सेम, द रेशियो ऑफ दियर एंगुलर मोमेंटम इज, तो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, L1 square upon 2I1, ये तो पहले वाले की हो जाएगी, और L2 square upon 2I2, ये दूसरे वाले की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों सेम है, 2 से 2 कट गया, L1 / L2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, √I1/I2 के इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ दियर एंगुलर मोमेंटम ही तो पूछा गया है, तो I1 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है हमें 9, और I2 की वैल्यू दे रखी है हमें 1, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चंस, आपको सिंपल जस्ट केवल और केवल हिम्मत रखनी है, क्वेश्चन के अंदर घुसना है, और फिर आपको तुरंत रिवील हो जाएगा क्वेश्चन, और खासकर इस वीडियो को देखने के बाद में तो आपका जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू बॉडीज हैव दियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली अबाउट दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ दियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, दियर एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो। अभी अभी हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो √I1/I2 के इक्वल होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो। तो यहाँ पे I1 तो हमें दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई, तो एक का दे रखा है आई और एक का दे रखा है 2I, आई से आई कैंसिल हो जाएगा 1√2, ये आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रोटेटिंग टेबल कंप्लीट्स 1 rotation in 10 seconds, 1 rotation in 10 seconds, यानी कि आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई है चुपके से, 1 rotation का मतलब है 2π, और टाइम लिया है 10 सेकेंड, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, π/5 radian/s, तो आधे बच्चे तो यहीं अटक जाएंगे, बट आपको नहीं अटकना, राइट, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 100 kg, यानी कि आई जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 kg/m². अ पर्सन ऑफ 50 kg मास स्टैंड एट द सेंटर, अब जब तक पर्सन सेंटर पर ही है तब तक उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो कितना होगा, 0, क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर ही बैठा है। इफ द पर्सन मूव्स 2 meters फ्रॉम द सेंटर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग टेबल विल बी, तो जैसे ही पर्सन एक्सिस से 2 meters पर चला जाएगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा बाई 100, जो टेबल का है वो तो होगा ही होगा, अभी भी उसको तो कोई रोक नहीं सकता, अब पर्सन का खुद का भी आ जाएगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 15 टू 4 करेंगे 200 आ जाएगा, यानी कि आई डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 300 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो आपको ओमेगा डैश निकालना है कितना होगा। अब इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जब आदमी टेबल के ऊपर चल रहा है, तो आदमी टेबल के ऊपर और टेबल आदमी के ऊपर इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हुआ करता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो अब तो हमारे ओमेगा डैश की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू कितनी थी 100, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी पाई डिवाइडेड बाय 5, आई डैश की वैल्यू कितनी है 300, 100 से 300 चले गए और आपका आंसर आ गया पाई डिवाइडेड बाय 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आई गेस यहां पर ये 20 नहीं होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 30 होगा, इसका मतलब भी पाई डिवाइडेड बाय 15, दोनों ऑप्शन सही है ना, तो इनमें से एक करेक्ट होगा, वो ऑप्शन को प्रिंट गलत कर दिया इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर 1 पाई डिवाइडेड बाय 15 जो है वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका लगा है, क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, अटकना नहीं है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दी जाएगी, हो सकता है थोड़ी बहुत छुपा के दी जाए, बट आपके लिए बहुत आसान होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फोर ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास एम आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द रिंग, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी। अगेन क्वेश्चन के अंदर आपको पढ़ते ही ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमें क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो शुरुआत में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई, वो कितना था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका मास, रिंग का मास मल्टीप्लाइड बाय रिंग की रेडियस का स्क्वायर, तो कैपिटल एम टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। और शुरुआत में जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी ओमेगा, ये आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी, ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, रिंग तो अभी भी है यानी कि एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, फिर चार मासेस सेंटर से रेडियस की डिस्टेंस पर ही है, तो हर का हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, कैपिटल एम प्लस 4m, और आपकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी कि आई एफ ओमेगा एफ आई आई ओमेगा आई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ओमेगा एफ की वैल्यू आ जाएगी आई इनिशियल तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा और ये फाइनल हो जाएगा आपका एम प्लस 4m टाइम्स आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एम इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 4m। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एम इंटू ओमेगा कैपिटल एम प्लस 4m, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अब जनरली जब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देते हैं ना, तो आप बच्चों का जो नॉर्मल साइकोलॉजी है वो मैं बताता हूँ क्या होता है। आप क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं हो, या पढ़ते हो तो घबराए हुए पढ़ते हो, तो आपको वैसे भी क्वेश्चन समझ में आता नहीं है, फिर ऊपर से आप ऑप्शन और देख लेते हो, अब ये ऑप्शन लग रहे हैं एकदम राक्षस जैसे, तो आपको लगता है कि अरे तो पता नहीं कितना ही कठिन क्वेश्चन होगा, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जबकि अगर आप थोड़ा सा शांत दिमाग रखो, क्वेश्चन को हल्के से दिल से पढ़ने की कोशिश करो, और अगर मोस्ट वांटेड सीरीज आप ध्यान से देख रहे हो, तो फिर आप देखोगे कि यार नीट के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन है ना, कम से कम फिजिक्स के अंदर तो आपका जो डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए, जो कि फिजिक्स के अंदर ही तो डर लगता है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ई इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क,
इफ मास ऑफ द बॉडी इज हाफ एंड रेडियस ऑफ जायरेशन डबल्ड देन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दे रखी है, ई दे रखी है, ठीक है। तो ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अब हमें मास ऑफ और रेडियस ऑफ जायरेशन वगैरह के साथ छेड़छाड़ करी गई है तो अपन आई वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज नोटिस करना, यहां पे बोल रखा है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। अब जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, आप बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है इसलिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i, ठीक है। अब i की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मास को अपन मान लेते हैं m और रेडियस ऑफ जायरेशन जो है k, उसको मान लेते हैं अपन k, तो i की वैल्यू होती है m इंटू k स्क्वायर, कोई भी बॉडी हो उसके लिए i की वैल्यू होती है m इंटू k स्क्वायर। अब देखो e डैश के बारे में क्या कहा गया है, भाई एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं यानी कि एंगुलर मोमेंटम तो आपका कांस्टेंट रहा, ये 2 तो नंबर है, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। मास जो है आपका क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया, मतलब m डिवाइडेड बाय 2 कर दिया गया, और रेडियस ऑफ जायरेशन को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया, यानी कि आ गया 4k स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2 l स्क्वायर अपॉन 2mk स्क्वायर। आप सब लोग वेरीफाई कर सकते हो, और ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो e डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/2 टाइम्स e, यानी कि 0.5e। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि आप इस चीज को जो मैंने अंडरलाइन करके इसको पहचान लो कि एक्सटर्नल टॉर्क अगर आपका कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल टॉर्क अगर आपका जीरो रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। वरना फॉर्मूला तो हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लगा सकते थे, बट वहां पे गारंटी नहीं है कि ओमेगा कांस्टेंट रहे, तो आप डायरेक्ट एनर्जी को आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बता सकते। तो जब भी फॉर्मूला चूज करते हो तो हमेशा इस तरीके से ध्यान दिया करो कि कौन सी अदर क्वांटिटीज है जो कांस्टेंट रहने की कोशिश कर रही है, उनके फॉर्म में फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एन एंगुलर मोमेंटम एल, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स मोशन इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में भी बताया था आपको, कितनी हुआ करती थी, पाई इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय एफ, तो एल की वैल्यू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पाई इंटू एफ। तो एल डैश की अगर मैं बात करूं, अब देखो क्या क्या किया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स मोशन इज डबल्ड, तो फ्रीक्वेंसी को तो क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया, तो f की जगह तो क्या आ गया आपका 2f आ गया, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ, काइनेटिक एनर्जी की जगह आ गया ke डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप यूं लिख सकते हो 1/4 टाइम्स ke डिवाइडेड बाय पाई इनटू f। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें है किसके इक्वल है, l के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा आपका l डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो घट के कितना रह जाना चाहिए, 1/4, 1/4, 1/4 ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका रह जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट के अंदर, आप बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो जबकि जो मार्क्स है वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको दिलाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको दिलाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिंग इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब जब भी रोलिंग की क्वेश्चन आते ना तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लिया करो, इट्स एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज ई, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी। ट्रांसलेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और हमारी जो नेट काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, नेट काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर टाइम्स 1+k² अपॉन r स्क्वायर। रिंग के लिए मैंने बताया था आपको
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सारी चीजें रखते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगी, देखो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर की जगह तो रख सकते हैं अपन ई, 1 प्लस इसकी जगह रख सकते हैं 1, तो टोटल एनर्जी आ जानी चाहिए आपकी 2 ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या ऐसा था जो कि आपको डराता था? कुछ भी नहीं है यार, आपको बस केवल और केवल थोड़ा सा अपना डर दूर करना है, सिंपल सिंपल चीजों के ऊपर रिलाय करना है, और बहुत बहुत आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो निकाल ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के, इफ रेडियस ऑफ द बॉल बी आर देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ आई, आई की जगह अपन लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह अपन लिख सकते हैं वी सी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी सी एम स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल ये टी स्टैंड्स फॉर टोटल है नॉट ट्रांसलेशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है देन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशनल एनर्जी को मिल रखा है, तो अपन क्या करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करोगे तो इससे तो ये कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा केवल और केवल के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल दिखाई देगी आपको। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एलसीएम से एलसीएम तो कट ही जाएगा, तो इसको ले जाते हैं उधर, बाकी सब कुछ इधर, तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टाइम्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का इतना जो फ्रैक्शन है वो किसके पास है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के पास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आपको केवल और केवल सिंपल इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क रोल्स डाउन अ प्लेन ऑफ लेंथ एल, ध्यान रखना उसकी लेंथ दे रखी है एल नॉट हाइट, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम विल बी। तो ऐसी हालत दे रखी है अपने को, ये एच हमें दिया हुआ नहीं है, हमें तो क्या दे रखा है एल दे रखा है, लेकिन अगर एल और थीटा दे दिया गया है तो एच किसके इक्वल हो जाएगा आपका, सिंपली एल साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, एल का इधर की तरफ कॉम्पोनेंट कॉस थीटा, सामने वाला कॉम्पोनेंट साइन थीटा, कर सकते हो इतना। तो अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती थी वी वो किसके इक्वल हुआ करती थी, अंडर रूट 2 GH डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हुआ करती थी। हमें बॉडी कौन सी दे रखी है, डिस्क, तो मैंने बताया था कि डिस्क के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2, और एच की जगह हम क्या रख देंगे एल साइन थीटा, चलो रखते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 GL साइन थीटा, 1 प्लस 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4 GL साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3, ये आपकी वेलोसिटी हो जानी चाहिए 4 GL साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में आता है जिसको आप पढ़ते आप डर के मारे समझ नहीं पाते, फिर ऑप्शंस देखते ऑप्शन आपको डरावने लगते और आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते, जबकि अब आपको एहसास हुआ कि यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर हम थोड़े बहुत चीज़ों के ऊपर रिलाय करें, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो सर ने बताई है, और क्वेश्चन को बिना डर के टारगेट करने की कोशिश करें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्फेरिकल शेल एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, द रेशियो ऑफ दियर एक्सेलरेशन विल बी. तो एक तो है स्फेरिकल शेल यानी कि हॉलो स्फेयर है, और एक है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर और डिस्क जो है वो सेम हुआ करते थे, राइट. रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन द रेशियो ऑफ दियर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो हुआ करता था वो हुआ करता था जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अगर हम हॉलो स्फेयर की बात करें तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/3, और सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, तो सबसे पहले स्फेरिकल शेल की बात करें, ठीक है, हॉलो स्फेयर बोल देते हैं अपन इसको. तो ये जी साइन थीटा तो वैसे की वैसे ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2/3, यानी कि जी साइन थीटा टाइम्स 3, और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5. ऐसे अपन सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो ये आ जाना चाहिए जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2. यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, जी साइन थीटा नीचे ऊपर रह जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 3. तो दोनों का रेशियो लेते हैं, हॉलो स्फेयर एंड सॉलिड सिलेंडर. जी साइन थीटा से जी साइन थीटा तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3/5, और ये उल्टा हो जाएगा, 2 रह जाएगा नीचे, 3 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 9/10. ये आपका रेशियो आ जाना चाहिए. ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, बहुत ही आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन आपको. अ रिंग टेक्स टाइम t1 एंड t2 फॉर स्लाइडिंग डाउन एंड रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l रिस्पेक्टिवली फॉर रीचिंग द बॉटम, द रेशियो ऑफ t1 एंड t2 इज. तो यहाँ पे दो अलग अलग सीनेरियोज है. हमने टाइम का फॉर्मूला देखा था, t हुआ करता था 1/sin θ √2h/g टाइम्स 1 + k² / r². नॉर्मली जब हमें h ना देके l दे दिया जाता है, हमें नॉर्मली ये चीज भी दे दी जाती है कई बार, ठीक है ना, तो हम इन दोनों के बीच का रिलेशन तो आसानी से जानते हैं कि जो h है उसको या तो l साइन थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना, या तो h को l साइन थीटा लिखा जा सकता है, या l को h अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है. तो अपन यहां पे क्या करते हैं, h की जगह l साइन थीटा लिख देते हैं, तो t आ जाएगा 1/sin θ √2l sin θ / g (1 + k² / r² ये फॉर्मूला बन गया अपना, ठीक है ना. आपको तो केवल और केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, चेंज तो आप कर ही लोगे. अब पहले केस में कोई रोलिंग नहीं हो रही, केवल और केवल स्लाइड कर रहा है. स्लाइड कर रहा है यानी क्योंकि रोटेशन नहीं है, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. तो t1 तो आ जाएगा आपका 1/sin θ √2l sin θ / g, और t2 1/sin θ √2l sin θ / g, और रिंग के लिए k² / r² की वैल्यू होती है 1. तो जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 ऐड होके कितना हो जाएगा, 2. तो अब अगर आप t1 / t2 करोगे तो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, 1/sin θ / 1/sin θ, ये पूरा का पूरा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और केवल और केवल बचेगा 1/√2. यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ बॉडी ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइन एंड रीचेस द बॉटम विद अ वेलोसिटी v. तो यहाँ पे पूरा का पूरा खेल वेलोसिटी का है. वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला हुआ करता था √2gh/(1 + k² / r² तो पहले केस में केवल और केवल मास m है और स्लाइड कर रहा है, मतलब कोई k जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है ना, कोई रोलिंग नहीं है. तो v 1 तो आ जाएगा आपका सिंपली √2gh. सेम मास वर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग विच रोल्स डाउन दिस इंक्लाइन, और अगर रिंग होती तो फिर कितना आ जाता आपका, k² / r² की वैल्यू 1 हो जाती, ये आ जाता √2gh/(2). ठीक है,
तो इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है v, और ये पूछा गया है कि v2 जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हो √2gh की जगह आप क्या रख सकते हो, v रख सकते हो, तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है v/√2। तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती, v/√2 हो जाती। अगर डिस्क दे देते तो उसके अकॉर्डिंग कर लेते, स्फीयर दे देते, तो इस तरीके की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इनसे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। A solid cylinder of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane of length l and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches the bottom? Speed हुआ करती थी under root 2 g h divided by 1 plus k square upon r square. और solid cylinder और disk same होती है और उनके लिए k square upon r square की value 1 by 2 होती है, तो 1 plus 1 by 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा 4gh/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल। तो ऐसी वॉल है एक, फ्रिक्शनलेस है, विथ इट्स अपर एंड 6 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो 6 मीटर अबोव द ग्राउंड पर इसका अपर एंड है एंड लोअर एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर इसका लोअर एंड है। तो इस तरीके की आपकी एक लैडर जो है वो रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी लैडर रखी हुई है। द वेट ऑफ द लैडर इज 500 न्यूटन एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। तो यहां से केवल और केवल 1/3 यानी कि L by 3 डिस्टेंस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि वो वाला पॉइंट है जहां पर mg फोर्स आपको लगाना है। वॉल्स रिएक्शन विल बी इन न्यूटन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको दोनों तरीके का इक्विलिब्रियम लगाना है। यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं हो रही और रोटेशन भी नहीं हो रहा, यानी कि फोर्सेस को भी बैलेंस करना है और टॉर्क्स को भी बैलेंस करना है। तो सबसे पहले फोर्सेस की बात करते हैं। देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है, तो इसका मास अपनों को दे नहीं रखा। द वेट ऑफ द लैडर इज 500 न्यूटन, दे रखा है वेट अपनों को, दे रखा है 500 न्यूटन, तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये वॉल के कॉन्टेक्ट में है, तो वॉल के कॉन्टेक्ट में है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां पर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो केवल और केवल नॉर्मल फोर्स होगा, तो इसको अपन n मान लेते हैं, ठीक है। ये वॉल के द्वारा लैडर के ऊपर और लैडर के द्वारा वॉल के ऊपर लगाया जाने वाला नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है। एक फोर्स यहां पे लग रहा है, ये इसके कॉन्टेक्ट में है, तो n डैश इधर की तरफ लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन जो है, बेसिकली फ्रिक्शन होगा तभी तो रुकेगी वरना तो चीज स्लाइड करके चली जाएगी, तो ये फिसल के पीछे जाना चाह रहा होगा और इसको फ्रिक्शन जो है स्मॉल f वो रोक के रखे हुए है, ठीक है। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो आपको दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि वॉल्स रिएक्शन विल बी, यानी कि इसको आपको इस स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो आप वैसे तो यहाँ पे तरह तरह की इक्वेशन बना सकते थे, पहले फोर्सेस को बैलेंस करते, फिर टॉर्क को बैलेंस करते, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते, बट अपना एक स्टेप के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन, देखना कैसे। हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका टॉर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टॉर्क ऑफ एन डैश फाइंड आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 0। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो कहाँ से पास हो रहा है, खुद एक्सिस से पास हो रहा है, यानी कि फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, 0। हम टॉर्क कैसे फाइंड आउट करते थे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। चलो और देखो, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगर आप निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 0। इस पॉइंट से गुजर रहा है आपका फ्रिक्शन भी। फिर अपन आते हैं इसके ऊपर, टॉर्क ऑफ वेट। तो अपना फॉर्मूला ये कहता था कि आपको क्या करना है, केवल और केवल फोर्स लेना है और इस फोर्स की लाइन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो ये डिस्टेंस एल बाय थ्री है और ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो एंगल है इसको आप कितना मान सकते हो, थीटा मान सकते हो। तो अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो बड़े वाला ट्रायंगल तो कहना चाह रहा है कि जो टेन थीटा है वो कितना है, 6/4,
बड़े वाला ट्रायंगल क्या कहना चाह रहा है, ये जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल है, 6/4, या फिर अपन टेन थीटा को यूज नहीं करते हैं, अपन तो साइन थीटा को यूज करते हैं या कॉस थीटा को यूज करते हैं। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस है 4 और हाइपोटेनस है आपका एन, और जो छोटे वाला ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाना चाहिए, बेस उसको अपन एक्स मान लेते हैं, और जो आपका हाइपोटेनस है वो है L/3। एल से एल कट गया, 1/3 को उधर लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/3 मीटर। तो यहाँ पर अपन इस 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2000/3, इतना आपका टॉर्क आ जाना चाहिए किसका, वेट का। अब आते हैं अपन नॉर्मल फोर्स का वेट, तो टॉर्क ऑफ एन ये निकालते हैं। तो वो ध्यान दो, ये जो वेट है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। तो नॉर्मल फोर्स एन हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाली डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 6 मीटर के इक्वल है, तो इसको सीधा सीधा अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो एन इंटू 6 ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 2000/3 के इक्वल आ जाना चाहिए, तो एन की वैल्यू आ जानी चाहिए 2000/3 × 6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000, ठीक है, और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1000/9, तो आपका आंसर आना चाहिए 1, फिर बचेगा 1, फिर बचेगा 1 point something, यानी कि 111 न्यूटन, ये आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन जो है ये अक्सर जब भी पूछे जाते हैं तो इनको इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, ध्यान से पहले फोर्सेस को बैलेंस करना है, फिर टॉर्क को बैलेंस करना है, और ध्यान रखो टॉर्क उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालने की कोशिश करना जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस गुजरते हों, ताकि उन सभी के टॉर्क क्या हो जाए, 0 हो जाए। थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाना है आपको, क्वेश्चन आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड द रिम ऑफ अ माउंटेड फ्लाई व्हील, डिस्क ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो इसका मास दे दिया गया है और इसकी रेडियस दे दी गई है, स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन। यहाँ पे 25 न्यूटन का एक रस्सी से इसको पुल किया जा रहा है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास, डिस्क का मास दे रखा है अपने को 20 × रेडियस का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 400, और सेंटीमीटर का मतलब होता है 10^-2, उसका स्क्वायर करेंगे तो -4/2, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। तो I/α वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स है 25 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20/100, तो एल्फा की वैल्यू आती हुई नजर आ रही है 25 × 20/100, 2 चला जाएगा ऊपर, 20 × 400 × 10^-4 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो एक के आगे एक दो तीन चार जीरो लग जाएंगे, ठीक है, दो हटा दो यहाँ से। अब देखो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, 5 जीरो कैंसिल करना है, 4 यहाँ से चले गए और 1 यहाँ से चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो केवल और केवल बच गया 25/2, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 12.5 रेडियन/सेकंड². एक बार कैलकुलेशन सब लोग वेरीफाई कर लेना, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो आपका जो कंसेप्ट है वो ये है, ठीक है, आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए 12.5 रेडियन/सेकंड², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेन द पार्टिकल एज इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो ऐसी सिचुएशन आपको दे रखी है,
मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो केवल और केवल कितनी रह जाती है, कॉस वी कॉस 45 डिग्री रह जाती है, और 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, तो वी डिवाइडेड बाई √2 रह जाएगी अगर उसको वी वेलोसिटी से फेंका गया है तो। ठीक है, इनिशियली वी वेलोसिटी से फेंका गया है 45 डिग्री एंगल पर। और एंगुलर मोमेंटम हम निकालते थे तो हम लाइन ऑफ मोमेंटम लेते थे और उसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया करते थे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, और मैक्सिमम हाइट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, यू स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यू की जगह वी दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2g, यानी कि 2 × 10, ठीक है, जी रख देते हैं क्योंकि जी की फॉर्म में अपनों से आंसर मांगा गया है, तो डिवाइडेड बाय 2g, तो h जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 4g। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो होना चाहिए मोमेंटम यानी कि मास इंटू वी डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज वी स्क्वायर अपॉन 4g। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए एम वी क्यूब डिवाइडेड बाय 4√2 टाइम्स जी, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है जिसमें आप ऑप्शन देख के शायद घबरा जाते हैं जबकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड देन रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज वी देन हाइट टू विच द डिस्क विल राइज विल बी। अब ये रोल करते हुए आ रही है और इसकी स्पीड v है तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स 1 + k² / r² और डिस्क है तो डिस्क के लिए k² / r² की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 3/4 मास कैपिटल M लिख देते हैं इंटू वी स्क्वायर, ये आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। और यहां तक जाते जाते सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज एम जी एच के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपसे ये पूछा गया है ना कि एच की वैल्यू कितनी होगी, एम से एम कट जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 3v² / 4g। इतना आसान है ये क्वेश्चन, 3v² / 4g, आपको बस केवल और केवल रोलिंग के कंसेप्ट को यूज करना है और फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। नॉर्मली हमने सारे के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिए, सिंपल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम उनके कंजर्वेशन के बारे में क्वेश्चन ले लिए, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ले लिए और रोलिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए। तो इन सारे के सारे क्वेश्चन, इन सारी की सारी एक्सरसाइज का पर्पज यही था कि मैं आपको बस केवल और केवल हर वीडियो के अंदर ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि नीट इज़ नॉट टफ। मोस्ट वांटेड सीरीज जो है वो केवल और केवल इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आपको केवल और केवल डराया गया है फिजिक्स के लिए, आपको डराया गया है सिलेबस के नाम पे कि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको डराया गया है चैप्टर्स के नाम पे कि चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट है, और आपको डराया गया है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए और आप नीट को क्रैक करने की सोच भी ना पाओ। और इन्हीं सारे डरों से मुक्त करना है मुझे आपको इस सीरीज के माध्यम से। आई होप मैं इन सब चीज़ों के अंदर कामयाब हो रहा हूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।